जय श्रीमन नारायण दोस्तों, मैं मंजू सती अपने व्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ सब कुशल होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो करते हैं व्लॉग की शुरुआत, और व्लॉग की शुरुआत हो रही है दोस्तों अपने ड्राइंग रूम से और दिन में। और आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा इंटरेस्टिंग होने वाला है, प्लीज़ देखिए और शेयर कीजिए अपनों को। इंटरेस्टिंग क्यों होने वाला है दोस्तों? आज है हमारे कान्हा जी की छठी, तो हम लोग छठी का प्रोग्राम कर रहे हैं अपने मंदिर में, और मैं बिल्कुल तैयार हूँ मंदिर के लिए। मैं हो गई हूँ रेडी और जाते हैं मंदिर में, वहीं छठी का प्रोग्राम करते हैं। और मैं भी देखती हूँ, आपको भी दिखाती हूँ, सारा कुछ आपके साथ शेयर होगा। तो बने रहिए आप लोग मेरे ब्लॉग में, और क्या क्या हो रहा है देखिए और शेयर कीजिए। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर में, करते हैं छठ की तैयारियां। सब लोग आ गए हैं भक्तजन, तो तैयारी हो रही है। और आज बनेगा प्रसाद कढ़ी चावल का मंदिर में, तो सभी लोग आए हैं। दिखाती हूँ आपको कौन कौन भगवान के मंदिर में सेवा करने के लिए आए हैं। श्रीमद नारायण की खाना जी, तो भक्तजन बैठे हुए हैं। ये देखिए लगे लोग हैं सेवा में सब लोग। ये देखिए सब जुड़े हैं। जागो रे, ये देखिए शुरुआत हो चुकी है। जागो जागो रे जवाला माई जागो। दोस्तों तैयारी हो रही है और सब भक्त लग गए हैं। दिखाती हूँ आपको, एक कड़ी के लिए, पकौड़ियों के लिए बेसन फेटा जा रहा है, और कर रहे हैं सब लोग सेवा में लगे हुए हैं। अब इतने ही लोग हैं, बाकी लोग बाद में आएंगे। यहाँ टिकट कर रही है, ये देखिए पकौड़े गर्मा गर्म कड़े के लिए बिल्कुल तैयार है। बेसन और लगे हैं कार्यकर्ता लोग, भक्तजन, हाँ भक्तजन लगे हुए हैं। ये देखो एक तरफ चावल चढ़े हुए हैं, ये देखिए ये एक तरफ चावल, कड़ी की तैयारी, पकौड़ियाँ बन रही हैं। देखिए बेसन घुल रहा है। एक घंटे में भंडारा बन के बिल्कुल रेडी है, भक्तजन आएंगे सारे और प्रसाद ग्रहण करेंगे इसका। एक तरफ कीर्तन बहन का प्रोग्राम चल रहा है, एक तरफ भंडारा बन रहा, और उधर ही सभी भक्त के लिए चाय का प्रोग्राम भी है। तो मैं दिखा भी आपको, आप एंजॉय कीजिए मेरे ब्लॉग में और देखिए कीर्तन भजन, और इधर भंडारे का प्रसाद तैयार हो रहा, चावल बन गए और चाय चाय। अनिता जी चाय दीजिए सबको, मैं भक्त लोगों के लिए चाय आई हुई है ना, भक्त लोगों के लिए चाय आई हुई है तो बांटिए, हम सर्व करते हैं। इधर देखो दो भक्तजन वहाँ लगे हुए हैं, सभी लोग सेवा कर रहे हैं कान्हा जी की। ये देखिए, और डालते हैं हम लोग चाय, ये चलो डालिए चाय आप। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए कड़ी भंडारा, कड़ी बिल्कुल तैयार है, भक्तजन लगे हुए हैं बिल्कुल श्रद्धा के साथ, झूम भी रहे हैं, नाच भी रहे हैं कान्हा जी के नाम के, और सेवा भी कर रहे हैं। ये देखिए लगा भरपूर, ये देखिए काम करने में सब पता की सेवा चल रही है। ये देखिए, ये देखिए उधर कीर्तन, इधर सेवा, कड़ी बन गई है, चावल बने हैं, अब ये पकौड़ियाँ डालेंगी। देखिए सब लोग, दोस्तों अभी मैंने आपको मंदिर का दिखाया था,
तो दिन में 1 बजे से हम लोग चले गए थे, थोड़ा एंजॉय करी, मस्ती करी, खाना के नाम की सेवा करी। और अब मैं जा रही हूँ एक निमंत्रण बनाने के लिए, वो भी जरूरी है। अगर कोई निमंत्रण देता है तो सम्मान के जरूर जाना चाहिए, भले 10 मिनट जाओ। तो मैं बिल्कुल रेडी वनीता नहीं है मेरे साथ, आज मैं अकेले हूँ। तो मैं जा रही हूँ और उनका निमंत्रण बना के आती हूँ, दोबारा से फिर मैं मंदिर में आती हूँ, फिर देखते हैं, आपको दिखाऊंगी भंडारे का भी। और फिलहाल मैं वहाँ जा रही हूँ, थोड़ा सा आपको वहाँ का भी दिखाऊंगी बीच में। तो चलिए, सुंदर सा मंदिर, काला जी की छत करो, कितना सुंदर है। मेरे ब्लॉग में मार्च में आप Thank you.
पूजा होगी उनकी छठी की पूरी, सब लोग तैयार हैं। नारियल 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 ये लोग करेंगे छठी की पूजा, छठी पूजा करेंगे मेरे ये। आ रही है देखिए आप लोग मेरे ब्लॉग के माध्यम से, और बढ़िया बढ़िया कमेंट्स कीजिए। भगवान जी की छठी पूजी जा रही है आज, बाहर कीर्तन भजन और अंदर छठी की पूजा। दोस्तों मैं भी पहली बार देख रही हूँ और मेरे ब्लॉग के माध्यम से आप लोग भी देखिए, और हमारे उत्तराखंड में सारी परंपरा नहीं होती है, मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ आपको मंदिर में, मेरे को सौभाग्य मिला देखने को, और आप भी देखिए। दिखाई आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से कीर्तन भजन भंडारा, और उसके बाद छठी पूजा का भी दिखाया मैंने। तो अब करते हैं भंडारे की, भोग लगाते हैं और सभी लोग भंडारे का प्रसाद ग्रहण करेंगे। दोस्तों हम लोग भी प्रसाद ग्रहण करते हैं जो दिन में बनाया था हमने छठी का, खा रहे हो करो कढ़ी चावल, कढ़ी चावल का प्रसाद कान्हा जी का, लता दीदी बांट रही है। फाइनली मैं वहाँ से आ गई घर और मैंने सारा कुछ आपके साथ शेयर कर दिया, और प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अब मैं इस ब्लॉग को यहाँ पर रखती हूँ, कल मैं आपको मिलती हूँ नई उमंग नई तरंग और नई ताज के साथ। प्लीज़ मेरे ब्लॉग को खूब लाइक करें शेयर करें, जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब करें, ब्लॉग को करती हूँ यहाँ पर एंड। जय श्री मंदारा।